हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गया रहा है कि आज किसके ऊपर होने वाला। यस गाइस, आज होने वाला है Q&A वीडियो, जो कि मैंने पूछे थे इंस्टाग्राम पे। उधर से मेरे को थोड़े बहुत क्वेश्चन आए, ज़्यादा नहीं आए बट थोड़े बहुत आए, इसलिए बोलता हूँ यार फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। इधर भी नाम आता रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो गाइस, ये मेरा पहला Q&A वीडियो है, जो कि मैंने कल भी बोला था कि मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाला। मुझसे सवाल आप पूछ सकते हो या तो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी डाला था। तो इस चैनल पे मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो, चालू करते हैं। तो पहला सवाल प्रिंस एक्सप्लोरर से, इंडिया से बाहर कब चल रहा है भाई? अरे भाई, ठीक से मुझे पहले मुंबई तो घूम लेने था। अभी तो मैंने ठीक से मुंबई नहीं घूमा। आप कहाँ आउट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हो? बट कोई नहीं, मेहनत करेंगे। इसी के लिए तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि मैं पूरा दुनिया घूम सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। तो एक दिन ज़रूर होगा भाई, चलेंगे साथ में कभी। तो सेकेंड क्वेश्चन आता है प्रियांशु। प्रियांशु, इतना स्मार्ट कैसे है, सच बोल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये मेरा फ्रेंड ही है जो मेरे को ये सब क्वेश्चन पूछा है। भाई तू स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, तेरे पीछे लड़कियाँ दीवानी है, क्या बताओ आपको। हम तुम्हारे बाजू में खड़े होते हैं ना, हम फीके पड़ जाते हैं और आपका कोई जवाब ही नहीं। हेड्स ऑफ। देखो, स्मार्ट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दिल से अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना ही बोलना अच्छा होगा। तो अगला क्वेश्चन है श्रेयस के तरफ से, अपना नेक्स्ट कोलैब ब्लॉग कब आएगा? अरे भाई क्यों नहीं, मिलो कोलैब करते। कोलैब क्या यार, तुम लोग भाई जैसे हो, मस्त अच्छा सा एक वीडियो बनाएंगे साथ में मिलके और मचाएंगे। अगला क्वेश्चन वापस प्रिंस से, मतलब प्लिंस वो वाला नहीं, दूसरा प्रिंस है। भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, एक बार अपने व्लॉग में ले लो। अरे भाई क्यों नहीं, और फ़ैन मत बोलो भाई, मैं आप लोगों का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, शेयर करते हो एंड कमेंट्स करते हो, वीडियो पे लाइक करते हो। तो मैं आप लोगों का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, और मिलने की बात हुई तो जब मिलोगे तब जरूर व्लॉग में लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आप लोगों को। आप लोग की वजह से तो व्लॉग बना रहा, आप लोग को व्लॉग में ना लो ऐसा हो सकता है क्या? मिलो फिर बनाते एक साथ व्लॉग। अगला सवाल अमरदीप से, कोई अगला ट्रिप होने वाला है क्या? हाँ भाई, ट्रिप तो होने वाला है, कुछ प्लान तो चल रहे ट्रिप के जाने का, बट ये पैंडमिक और कोविड सिचुएशन में हम लोग घूम जा नहीं पा रहे, बट प्लान तो है जाने का। अभी देख, अभी वो होगा कि नहीं आपको ब्लॉग के थ्रू पता चल ही जाएगा। प्लान तो ऐसे बहुत सारे, बट कोविड के सीज़न की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे और कुछ नहीं। तो अगला सवाल आता है मेरे बड़े भाई से, वीरू वर्मा, 15 अगस्त को कुछ राइड प्लान है? भाई ऐसा अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, आप लोग ही सोचा, आप लोग के साथ ही तो चलना है मुझे। राइड बनाओ, प्लान बनाओ, चलते हैं अपन और क्या। तो अगला सवाल है मिस्टर ऋतिक, तो भाई नेक्स्ट ट्रिप वीडियो कब आ रही है? नेक्स्ट ट्रिप वीडियो अभी बोल नहीं सकता, कभी भी हम लोग का ट्रिप निकल जाता है। जब भी जाओगे आपको व्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा। और नेक्स्ट ट्रिप शायद होने वाला है, शायद हाँ, राजस्थान का, कि मैं जाने वाला राजस्थान में। अभी प्लान तो चल रहा है बट देखते, वही ट्रिप होने वाला नेक्स्ट ट्रिप, वो भी नॉर्मल ट्रिप होने वाला, ज़्यादा वो नहीं, तो देखते। मुबीन, व्हेन यू रीच 100K सब, व्हाट्स योर रिएक्शन? अरे भाई लोग, मेरे 100K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। डीके प्रसाद, इधर बार मुझको तो अम्मा डांस करा बुड्ढा। तो ऐसा कुछ रिएक्शन होगा मेरा उस टाइम। अरे यार बहुत पसीना हो रहा है, फैन बंद है, आप लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए फैन बंद करके रखो। पर कोई नहीं, अभी इधर ही सब क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सौरभ पाटिल के तरफ से, कुछ इनकम हुआ क्या यूट्यूब से? देखो भाई, अभी तक तो इनकम स्टार्ट नहीं हुआ है। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, यूट्यूब का एक टारगेट रहता है कि भाई आप लोगों को 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आर कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आपको यूट्यूब इनकम देना स्टार्ट करता है। तो आप लोग की दुआई से आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पूरा वीडियो देखो। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेरी ये मेहनत सफल जाएगी और इनकम भी मेरा जल्दी ही चालू हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो देखो, शेयर करो और कुछ। तो अगला सवाल आता है आदित्य मिश्रा, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? हो ये बात करने लायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फर्स्ट इंस्पिरेशन इज़ माय फैमिली, माय मॉम डैड एंड माय ब्रदर्स, वही मेरे पहले इंस्पिरेशन है। फिर बात आती है कि वीडियो जो आप बनाते हैं उसके लिए कौन इंस्पिरेशन है आपके? तो मैं बता देता हूँ कि आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा कज़न भाई है जो मितेश करके, उधर मैं जाता था तो वो दिन भर टीवी में व्लॉग देखता रहता, तो वो मुंबई का निखिल का कुछ व्लॉग देखता था तभी। तो मैं जाके देखता तो मुझे बहुत सड़ता था वो व्लॉग देखने के लिए कि यार कब
ख़त्म हो, व्लॉग कब हम लोग उठे, कब जाए, ऐसा होता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। फिर बाद में ऐसे ही दो तीन दिन बाद एम एस के का वीडियो लगाया था, तो भी मैं उनके बाजू में आके बैठ गया था। फिर मैं देखने लगा एम एस के का वीडियो, और एम एस के का वीडियो देखते ही मेरे को इतना मज़ा आ रहा था, इतना फ़न था ना बंदा, वो एकदम लाजवाब बंदा था। फिर उसका मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, फिर मेरे को मालूम पड़ा कि व्लॉग होता क्या है। फिर एम एस के बाद मुंबई का निखिल, मुंबई का निखिल का भी व्लॉग देखने लगा। फिर ऐसे ही मैं व्लॉग देखना स्टार्ट कर दिया, व्लॉग के बारे में जानना लगा। तो मेरे सिर्फ चार इंस्पिरेशन है लाइक यूट्यूबर्स में। एक हो गया एम एस के भाई, वो बहुत फनी है यार, एकदम चिल और एकदम ट्रिल बंदा है वो। सेकंड हो गया मुंबई का निखिल, उनके बात करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, जो कि वो वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, मुझे वो बहुत पसंद आता है उनका, तो वो मेरे सेकंड इंस्पिरेशन है। थर्ड इंस्पिरेशन है माय प्रमोद रावत, जो कि एकदम जेन्युइन बंदा है, फुल फटाकेदार बंदा है, कुछ शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, तो दिल का भी बहुत अच्छा। इसके लिए थर्ड इंस्पिरेशन इज़ माय प्रमोद रावत, उसका भी वीडियो मैं रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर व्लॉग उसका अभी तो रेगुलर व्लॉग आ नहीं रहे, बट जब भी व्लॉग आते हैं मैं उनका व्लॉग कभी छोड़ता नहीं, बिकॉज बहुत मस्त बंदा है वो। फिर आते हैं बुलेट सिंह बोईसर, मैंने उनका अभी वीडियो मतलब एक साल हो गया उनको फॉलो करते हुए, उनका मैं हार्डवर्क देखता हूँ, उनका मैं पैशन देखता हूँ, उनका मैं जोश देखता हूँ, तो मुझे वो भी मेरे को इंस्पायर करते हैं। मैं सिर्फ ये चार व्लॉगर लोग को फॉलो करता हूँ, इन लोग से मैं थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, एम एस के से उनका थोड़ा फनी वीडियोस और एडिट सीखता हूँ, मुंबई का निकल से थोड़ा बोलना सीखता हूँ, फिर प्रमोद रावत से थोड़ा जेन्युइन बंदा हार्डवर्क सीखता हूँ। मैं ये चार यूट्यूबर लोग को ही देखता हूँ, ये चार लोग को मैं अपने इंस्पिरेशन मानता हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना रखता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको बोलते रहूँगा। प्लीज़ लाइक करो और सपोर्ट करो, तब तक के लिए बाय बाय।